निसान ने फाइनली भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया मैग्नाइट की फेसलिफ्ट। आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फ्रॉम इट्स प्राइसिंग टू फीचरलेस, तो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अगर व्हीकल के चेंजेस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रंट फेशियस में हमें थोड़ा नया डिजाइन के साथ देखने को मिल जाता है। मैसिव सी फ्रंट ग्रिल विद हेक्सागनल डिजाइन जो कि आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ फॉग लैंप्स की हाउसिंग नहीं देखने को मिल जाती है। रगेड सा काफी मैसिव सा बंपर देखने को मिलता है। LED हेडलैम्प्स, LED डेटम रनिंग लाइट्स, LED टर्न सिग्नल एंड LED फॉग लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। अगर हम फ्रंट वाइज बात करें, साइड प्रोफाइल में आपको नए 16 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे फिनिश के साथ आपको ओवरऑल देखने को मिले, काफ़ी अच्छी अपील ओवरऑल प्रोवाइड करते हैं ये व्हीकल को। अब अगर मैं बात करूँ रेयर प्रोफाइल के बारे में, तो रेयर में आपको नए एम शेप LED टेल लाइट्स देखने को मिली है विद स्मोक डिफेक्ट फॉर दी हाउसिंग एंड ओवरऑल बम्पर वाइज तो इस व्हीकल की लुक सेम ही रहती है, बम्पर वगैरह सेम ही रहता है, बस आपको टेल लैंप्स में डिफरेंस देखने को मिल जाता है विद द निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट। अब अगर मैं बात करूँ और चीज़ों के बारे में, तो इसमें आपको नया ये कलर देखने को मिल गया विद द फेसलिफ्टेड वर्जन जिसका नाम है सनराइज कॉपर ऑरेंज कलर। इसमें आपको ब्लैक रूफ देखने मिल जाती है इन द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ऑफ द व्हीकल। बाकी ये हैं कुछ एक्सटीरियर वाइज चेंजेस। अब बात कर लेते हैं इसकी वेरिएंट वाइज प्राइसिंग के बारे में। तो अभी जो प्राइसिंग है, इट इज स्पेशल प्राइसिंग, स्पेशल इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग फॉर द फर्स्ट 10,000 डिलीवरीज। इस व्हीकल की डिलीवरीज 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि कल से। बट अब अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग के बारे में, तो इसमें जो वेरियंट्स ऑफर करे जाते हैं वो रहते हैं विशिया, विशिया प्लस, असेंटा, एन कनेक्टा, टेक्ना एंड टेक्ना प्लस। तो विशिया वेरिएंट जो है वो आपको देखने मिल जाता है इन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसका मैनुअल में प्राइस रहेगा 5,99,400 एंड ऑटोमेटिक में इट विल कॉस्ट यू 6,59,900 रुपीज़। अब बात करूँ अगर विशिया प्लस वेरिएंट के बारे में, तो उसका कॉस्ट इन द नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल इज 6,49,400 रुपीस एंड वो और कोई आपको ऑप्शन के साथ नहीं देखने मिलता। देन असेंटा वेरिएंट जो है वो आपको देखने मिल जाता है इन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल जिसका कॉस्ट है 7,14,000 रुपीस एक्शरम एंड ऑटोमेटिक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल में इट विल कॉस्ट यू 7,64,000 रुपीस एंड विद द टर्बो पेट्रोल CVT ट्रांसमिशन में इट विल कॉस्ट यू 9,79,000 रुपीस। देन आता है एन कनेक्टा वेरिएंट जिसका पेट्रोल मैनुअल नेचुरली एस्पिरेटेड में इट विल कॉस्ट यू 7,86,000 एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक नेचुरली एस्पिरेटेड में इट विल कॉस्ट यू 8,36,000 एंड देन टर्बो पेट्रोल मैनुअल में इट विल कॉस्ट यू 9,19,000 एंड टर्बो पेट्रोल CVT में इट विल कॉस्ट यू 10,34,000 रुपीज। अब बात करूँ टेक्ना वेरिएंट के बारे में, तो 8,75,000 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर द नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल पेट्रोल एंड 9,25,000 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ऑटोमेटिक एंड 9,99,000 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर टर्बो पेट्रोल मैनुअल, 11,14,000 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर टर्बो पेट्रोल CVT। अब बात करूँ टेक्ना प्लस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के बारे में, तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल में इट विल कॉस्ट यू 9,10,000, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ऑटोमेटिक में इट विल कॉस्ट यू 9,60,000, टर्बो पेट्रोल मैनुअल में इट विल कॉस्ट यू 10,35,000 एंड टर्बो पेट्रोल CVT में इट विल कॉस्ट यू 11,50,000 रुपीस। अब बात करूँ इसके इंटीरियर के बारे में, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर ऑफ द न्यू निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट। तो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इसमें इंटीरियर थीम भी हमें नई सनराइज कॉपर ऑरेंज थीम देखने को मिलती है। ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते इंटीरियर वाइज भी, बस आपको अपोस्ट्री में डिफरेंस एंड थोड़े बहुत नए फीचर लिस्ट देखने को मिल जाती है। ओवरऑल वही सेम लेआउट रहता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस लिफ्ट ऑफ इट्स इंटीरियर। लंबोर्गिनी इंस्पायर्ड डिज़ाइन आपको इसके AC वेंट्स में देखने मिल जाता है। हेक्सागनल प्रिंट आपको ओवरऑल इन द इंटीरियर देखने मिल जाता है। सनरूफ अभी भी ऑफर नहीं करी गई है इस व्हीकल में। तो इसमें जो आपको पहले जो एग्जिस्टिंग फीचर लिस्ट देखने मिलती थी वो रहती है जैसे कि 8 इंच की टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे कि आप देख सकते हैं, बाकी क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC, रेयर में AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रेयर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, वो तो पहले से ही आपको कैरीड ओवर देखने को मिले हैं। जो नए फीचर्स इसमें आपको ऑफर करे गए हैं वो रहते हैं ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, बाकी ऑटो डिमिंग इनसाइड रेव्यू मिरर विद बेजललेस डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, गाड़ी के लिए नई की फॉब देखने को मिल जाती है जिसमें आपको रिमोट स्टार्ट फीचर देखने को मिल जाता है जिससे AC भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, 360 डिग्री कैमरा ऑफर कर दिया गया है, Type-C पोर्ट्स ऑफर कर दिए गए हैं, एयर प्योरीफायर ऑफर कर दिया गया है, ऑटो डोर लॉक एंड अनलॉक बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी ऑफर कर दिया गया है,
4 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, 6 एयरबैग्स एंड मेनी अदर फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस व्हीकल में। टोटली व्हीकल जो है 13 कलर ऑप्शन में ऑफर करी जाती है। ये कलर ऑप्शंस रहते हैं जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। अब बात करूँ इसकी पावर ट्रेन के बारे में, तो ये वही सेम पावर ट्रेन के साथ ऑफर करी जाती है। 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन रहता है जो कि आपको दोनों नेचुरली एस्पिरेटेड ट्यून में एंड टर्बो पेट्रोल में देखने को मिल जाता है। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रहता है वो प्रोड्यूस करता है 71 bhp ऑफ पीक पावर एंड 96 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क एंड 5-speed मैनुअल और 5-speed AMT के साथ वो ऑफर करा जाता है। जो टर्बो पेट्रोल रहता है वो प्रोड्यूस करता है 99 bhp एट 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क एंड इज मेड टू अ 5-speed मैनुअल और अ CVT गियरबॉक्स। तो ये थी कुछ डिटेल्स ऑन द निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसीडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप लोग मेरी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय।